और वो जो उसमें सब लिखा पड़ी में है पूरा, उन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बैनामा किया 18 मार्च 2021 7:05 पर। इसमें सब लिखा पड़ी में है, सब लिखा पड़ी में है, बैनामा हुआ। और बैनामा करने के 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 7:15 पर, 16 मिनट पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को करते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 18.5 करोड़। 18.5 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टीज में गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही हैं और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है, ये रजिस्टर एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, राम की धरती पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और एक बात बता दूं, जहां पर ये जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी गई है, आज जाकर पता कर लीजिए, इसी के अगल बगल की जो जमीनें हैं वो आज भी 1.50 करोड़ और 2 करोड़ में मिल रही है। ऐसा नहीं कि कोई वहां मूल भाव बढ़ गया, आज जमीन वहां कोई 18 करोड़ की मिल रही है। यह आपको जांच करने का मुद्दा दे रहा हूं, जाइए जांच कर लीजिए, वहां के रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए। और यही भ्रष्टाचार लगातार ट्रस्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से लोग मिले हैं, कौन कौन से लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पे अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लाखों रुपया खा गए राम के नाम पर, करोड़ों रुपया खा गए, और बताएंगे देशभक्ति, बताएंगे राम भक्ति।